तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि सैलरी स्लिप एडिट कैसे करते हैं, तो उसी के बारे में आज बात करते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं। तो दोस्तों होता क्या है कि जहाँ पे आपका पीएफ डिडक्शन नहीं हो रहा होता है या आपकी इनहैंड सैलरी स्लिप होती है, तो वहाँ पे जब भी आप कभी सर्च करते हो या कोई नई जॉब की तलाश में आप घूमते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो कंपनी आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगती है कि मुझे आप अपना बैंक स्टेटमेंट दे दो। अब बैंक स्टेटमेंट में आप क्या करते हो कि आपकी सैलरी सपोज 20,000 पर मंथ की है, तो उसमें क्या सोचते हो कि इसको एडिट करके हम 30 दिखाएं तब वो कंपनी हमें 35 दे। तो इस तरीके से हम लोग सोचते हैं कि चलो उसको एडिट कर लेते हैं। लेकिन मैं दोस्तों यहाँ पे क्लियरली बता दूँ कि जब भी आप किसी बैंक स्टेटमेंट को एडिट करने की कोशिश करोगे, पीएफ डिटेल्स वगैरह को एडिट करने की कोशिश करोगे, या फॉर्म 16 में अगर आप अपनी डिटेल्स एडिट करने की कोशिश करोगे, तो दोस्तों वहाँ पे 100% आप पकड़े जाओगे, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट को एडिट करना के सिस्टम में घुस के आप बैंक के सिस्टम को हैक करना, ये वहाँ तक की बात हो जाती है। क्योंकि देखो बैंक स्टेटमेंट जो उसमें पर्टिकुलर नंबर होते हैं या जहाँ से वो बैंक स्टेटमेंट से आपका देखते हैं, अगर उन्होंने वहाँ पे जाके बैंक के डेटाबेस से अगर आपका बैंक स्टेटमेंट चेक कर लिया, तो आप वहाँ पे पकड़े जाओगे कि ये बैंक स्टेटमेंट कुछ और है और ये कुछ और है, मीन्स ये एडिट किया हुआ है। अगर आप बैंक के डेटाबेस में घुस के वहाँ पे एडिट करते हो और फिर वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में वेरीफाई किया जाता है, तो आप नहीं पकड़े जा सकते। लेकिन वो क्या है कि आप बैंक स्टेटमेंट जो है इतनी आसानी से एडिट नहीं कर सकते, इवन कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर बैंक स्टेटमेंट आप एडिट करते हो मीन्स आप बैंक के सिस्टम को हैक करते हो, तो ये बहुत बड़ा टास्क होता है। तो ऐसी चीज़ें ना करें। आपको जॉब मिल भी रही होगी 20 से 25 हज़ार वाली, तो अभी यहाँ से चली जाएगी, और करेंट वाली जो जॉब है वो भी आपके यहाँ से चली जाएगी, तो बैंक स्टेटमेंट आप एडिट नहीं कर सकते। बाकी इन हैंड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, देखो इन हैंड में एक A4 पेपर में होता है, या हो सकता है ऑन ईमेल हो, जो इन हैंड थोड़ा बहुत होता है, वहाँ पे आपको एडिटेबल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एडिट आप कर सकते हो। लेकिन जो गवर्नमेंट की साइड पे है, एक तरीके से बैंक गवर्नमेंट सेक्टर में ही काम करती है, तो अगर जो गवर्नमेंट सेक्टर चाहे PF हो, आपकी मेल पे सैलरी स्लिप हो और बैंक स्टेटमेंट हो, PF हो, फॉर्म 16 हो, जितने भी ऐसे गवर्नमेंट रिलेटेड पोर्टल्स डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ना, उनको आप एडिट इतनी आसानी से नहीं कर सकते, इवन कर ही नहीं सकते हो। अगर करते भी हो तो आप किसी ना किसी फ्रॉड में ज़रूर पकड़ा जाओगे। तो बस वही आपको बताना था, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि आप बैंक स्टेटमेंट एडिट नहीं कर सकते। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम शुभम, मैं मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।